स्टूडेंट मैं साहिल सर एक बार फिर लाया हूँ एक्सरसाइज टू बी फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्लास सिक्स के लिए जो है आर एस अग्रवाल से। इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे और इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम 11 की तरह ही है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। यानी यहाँ पर दिया हुआ है कुछ नंबर, ये जो नंबर है इसमें कुछ नंबर्स को फिल करना है, ये स्टार की जगह पर नंबर्स फिल करने हैं। उसी तरह सेम टू सेम 3, और ये इसमें ऐसा नंबर फिल कर देना है कि ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले रूल क्या है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, हमेशा हम रूल लिखा रहे ताकि आपको याद हो जाए। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट आर डिविजिबल बाय 9, यानी बताया जा रहा है सेम टू सेम 3 की तरह कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा यदि उसके सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 6 5 स्टार 5, तो चलिए देखते हैं 6 + 5 + फिर छोड़ दिए +5, सबको ऐड कर दिया 5 और 5 10 और 6 16, 16 तो नहीं डिविजिबल है, मिनिमम 18 डिविजिबल है। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2, तो ये 18 हो जाएगा। तो वो नया नंबर कौन सा होगा 6 5 2 5। तो सबसे पहली बात है कि रूल आपको याद होना चाहिए, अगर आपको रूल याद नहीं रहेंगे तो नहीं बनेंगे, ये साफ है। क्वेश्चन नंबर 2 3 नहीं बताएंगे, सीधा 5 बताते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम पिछले क्लास में जो बताए थे उसी की तरह। तो इसको देखते 6 + 6 + 7 + 8 + 1, तो इसको कैसे करेंगे 6 6 12 12 8 20 + 7 27 + 1 28 हुआ, 28 तो नहीं है, 27 आता था, फिर सीधा 36 आ जाएगा। 36 के लिए हमें और 8 चाहिए, कितना चाहिए 8, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नया नंबर जो बनेगा 6 6 7 8 8 1, इस तरह से हो। तो इसी तरह से करके आपको इसको डिविजिबल बाय 9 बनाना है, इसको ये 9 का मल्टीपल इसको बनाइए आप, है ना, या फिर ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से। ये 16 आया तो 16 तो नहीं डिविजिबल है, इसमें और कितना डाल देंगे कि वो नंबर डिविजिबल हो जाए, तो 2 डाल देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 9 से डिविजिबल है, है ना। यहाँ 20 आता है, 27 डिविजिबल होता है, उसके बाद 28 भी नहीं, 29 भी नहीं, 30 भी नहीं, 31 32 33 34 35 नहीं, सीधा 36 डिविजिबल है, 9 4 जा 36 होता है ना, तो 36, तो 36 बनाने के लिए 28 में हम 8 ऐड कर दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 क्या कहता है। 13 देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे और क्वेश्चन कुछ अलग तरह के आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 है कि रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। यानी ये जो नंबर है इसके स्टार को रिप्लेस कीजिए वो स्मॉलेस्ट नंबर पर कि ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो हम जानते हैं कोई भी नंबर 11 से तभी डिविजिबल होता है जब इवन प्लेस वाले और ऑड प्लेस वाले दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने पर वो जीरो होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 2 6 * 5, तो इवन प्लेस में क्या है, पहले ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, क्या लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस डिजिट वाले का सम हम फाइंड करते। तो ऑड प्लेस में क्या है 1 2 नहीं, ये 3, 5 और 6 है, 5 + 6 कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पर वो कौन सा नंबर ऐड कर देंगे कि या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो यहाँ पर 11 कर देते हैं क्योंकि ये 11 है और यहाँ पर भी 11 हो जाएगा, तो वो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 यदि हो जाएगा तो ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो चलिए यहाँ पर बैठाते हैं 9, 9 और 2 होता है 11, अब 11 और 11 आ गया, 11 माइनस 11 दोनों को माइनस किए तो 0 आ गया, हम 0 जब आ जाता है तो ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2 6 फिर कितना किया 9 9 5, ये थोड़ा सा हार्ड है,
ये थोड़ा सा हार्ड है। चलिए इसका दूसरा सा बताते, इसका और एक बता देते, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है 39*43, 39*43 सम ऑफ ऑड डिजिट कहते हैं, ऑड प्लस डिजिट, ऑड वाले प्लेस में, वो समझ में आ रहा है ना, ये फर्स्ट प्लेस में है ना, ये सेकंड प्लेस में है, ये थर्ड प्लेस में है, ये फोर्थ प्लेस में है, ये फिफ्थ प्लेस में, इस तरह से है ना। तो जो ऑड नंबर वाले प्लेस में है, जैसे 1, 3, 5, ये सब ऑड नंबर, तो 1 के जगह पर कितना है, 3 है, 2 तो इवन नंबर है, थर्ड प्लेस में कितना है, तो स्टार है, तो फिल कर देंगे, प्लस 3 के बाद 5 है ना ऑड नंबर, तो इसमें कर देंगे 9, तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 11 हो गया। अब इवन वाला देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर नंबर फिल करेंगे। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस वाला जो डिजिट है उसको सम करते हैं, कैसे करेंगे, या 2 है इवन प्लेस में, 2 के जगह 2 एक इवन नंबर है, तो इसके जगह 4 है, प्लस 2 के बाद सीधा 4 आएगा, यहाँ पर 9 है, 9 और 4 कितना होता है, 13, और यहाँ पर आया है 11, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए दोनों को माइनस करने से, तो यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं, तब ये 13 हो जाएगा, यहाँ पर 2 डाल देते हैं, यहाँ भी 2, तो ये 13 हो जाएगा। तो इसी तरह 13 को जब 13 से माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और वो नंबर जो है मल्टीपल हो जाएगा, यानी डिविजिबल हो जाएगा। तो 39 फिल कितना किए, 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और ये 43, तो इस तरह से ये नंबर को फॉर्म करना है, बनाना है कि ये डिविजिबल ऑफ 11 कैसे होगा। बाकी के जो यहाँ पर दो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चन नहीं अगर बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बनाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हम 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर एक नज़र डालते हैं कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर अगर ध्यान दें तो उसमें बोल रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह का। यानी ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, पहला है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 बाय 11, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये पता लगाना, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ ऑड करेंगे, ऑड का सम और इवन का सम करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये 1 के प्लेस में है, तो ये हो गया 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 1 हो गया। इसमें देखें इवन वाला प्लेस में ये है, ये है, ये है, ये है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 1 है, यानी 1 आया। अब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे यस, हाँ, 1 0 0 0 0 0 0 1 इज़ डिविजिबल बाय 11, सेम टू सेम, जितना भी क्वेश्चन पीछे पढ़े हैं सब उसी से रिलेटेड है, उसी तरह के बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, दूसरा छोड़ देते हैं, वो भी 11 से। तीसरा क्वेश्चन है 9 से, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 3 बाय 9, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं ये हमको टेस्ट करके बताना। तो ये सब 9 से कब डिविजिबल होता है, जब सभी नंबर को ऐड कर देंगे और वो 9 से डिविजिबल होगा। 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 4 10 और 5 15 15 और 6 21 और 3 24, 24 डिविजिबल है 9 से, नहीं, तो लिखेंगे 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ए नॉट डिविजिबल बाय 9। सो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ये था रूल इसको डिवाइड करने का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 3,
थ्री से भी डिविजिबल होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, पहला हाँ एलेवन, दूसरा भी एलेवन है, तीसरा नाइन से, थ्री से भी क्या होता है, कैसे होता है, जब ये सारे को सम कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद अगर ये पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल हो जाता है उसका ऐड, तो ये पूरा नंबर थ्री से डिवाइड होगा। उसी तरह फोर से कब डिविजिबल होगा, जब ये लास्ट के दो डिजिट फोर से डिविजिबल होंगे, तब ये पूरा फोर से डिविजिबल। एट से कब डिवाइड होगा, जब ये लास्ट के थ्री डिजिट एट से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये पूरा नंबर एट से डिवाइड होगा। ये सभी हम पढ़ा चुके हैं, तो इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर, यानी यहाँ पर बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं और उनमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, इनमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर है, आप लोग भी हेल्प कीजिएगा। 103, दूसरा है 137, तीसरा है 161, चौथा है 179, और पांचवा है 217, छठा है 277, सातवां है 331, और आठवां है 397। ये सारे नंबर हैं, कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है, इसको हमें एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है वो दिखाना। तो 103 एक प्राइम नंबर है, तो 103 इज ए प्राइम नंबर, इस पर टिक लगा दें। 137 भी एक प्राइम नंबर है, 161 एक प्राइम नंबर नहीं है, 179 एक प्राइम नंबर है, 277 ये भी एक प्राइम नंबर है, 331 एक प्राइम नंबर है, 217 प्राइम नंबर नहीं है, 331 प्राइम नंबर है, और 397 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद का टेबल में आता है, दूसरा टेबल में नहीं आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर। पहला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर, पहला है विच इज डिविजिबल बाय टू बट नॉट फोर, यानी एक नंबर का एग्जाम्पल देना है जो टू से तो डिविजिबल है लेकिन फोर से नहीं है। फोर से कब डिविजिबल होता है, जब लास्ट का टू डिजिट डिविजिबल हो जाए फोर से, तो वो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल होता है। तो एक ऐसा नंबर जो टू से डिविजिबल है लेकिन फोर से नहीं, चलिए देखते हैं। एक है 154, ये एक ऐसा नंबर है जो इसका लास्ट डिजिट फोर से डिविजिबल नहीं हो। दूसरा है विच इज डिविजिबल बाय फोर बट नॉट एट, दूसरा है फोर से डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन एट से नहीं होगा। एट से कब डिवाइड होता है, जब लास्ट का थ्री डिजिट एट से डिवाइड होगा, और फोर से लास्ट का टू डिजिट होना चाहिए डिवाइड। तो 612 एक नंबर है जो लास्ट का टू डिजिट फोर से डिवाइड हो जाता है लेकिन ये थ्री डिजिट एट से डिवाइड नहीं होगा। चौथा है, ये थर्ड क्वेश्चन है, विच इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड एट बट नॉट 16, एक नंबर दो और आठ दोनों से डिवाइड है लेकिन 16 से नहीं। देखते हैं 5112, ये नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू एंड 5112 है, और एक है 3816, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये सब टू से डिवाइड है, एट से डिवाइड है ना, देखो 81 जाए 2 जा 16 है ना, 81 जाए 3 2 32, 84 जाए 32, ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड है, ये लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन 16 से डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6 बट नॉट 18, 3 और 6 दोनों से डिवाइड है लेकिन 18 से नहीं। पहला है 3426, 6 फोर 2 10, 3 13 टू 15, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा,
अब 3 से डिवाइड होगा तो 2 से 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, इसलिए ये 3 और 6 दोनों से डिवाइड है, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। अगला है 5142, तो इस तरह के बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। अगला जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 17, वो ट्रू फॉल्स है, तो वो ट्रू फॉल्स आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तब, क्योंकि बुक नहीं होने के कारण वो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन। आप देख रहे हैं, हम दूसरा से खुद मंगवा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो किसी तरह करके हम आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप लोग कुछ पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्कूल बुक चलाएगा, अभी आप लोग के पास बुक नहीं है तो इस बुक से ही पढ़िए, क्योंकि ये सारे चैप्टर हर बुक में रहेंगे, फैक्टर में मल्टीपल्स क्लासिक्स के सभी बुक में रहेंगे, इसलिए इसको पढ़िए। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय, फिर लाएंगे अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।